तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं ना कि एक सलाहकार। मेरा काम केवल रोज नई नई वेबसाइट और कंपनियों की जानकारी देना है, क्योंकि आजकल बहुत ठगी चल रही है। तो अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश करने से पहले कंपनी की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें और जो भी पैसा निवेश करें वो सोच समझ कर करें, क्योंकि इससे आपको पैसे की हानि भी हो सकती है। इसलिए पैसा अपनी जिम्मेवारी के ऊपर ही निवेश करें, क्योंकि हम आपको किसी भी कंपनी में पैसा निवेश करने की सलाह नहीं देते और ना ही हमारा कंपनी से कोई लेना देना है। हम सिर्फ आपको कंपनी के प्लान दिखाते हैं, ना कि आपको पैसा निवेश करने की सलाह देते हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार का भी लॉस या फिर प्रॉफिट होता है तो उसमें सर चैमलम का कोई योगदान नहीं होगा। तो आप जो भी करें अपनी देखरेख, सूझबूझ और अपनी जिम्मेवारी पर ही करें। आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है हेज फंड के जो मंच पर। फ्रेंड्स सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि 98 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जो ज्वाइन हो चुके हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग फिर से एक बार इस मंच पर आ चुके हैं हेजक्स फंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और हेजक्स फंड हमारे लाइफ में कैसे चेंज ला सकते हैं, हेजक्स फंड से कैसे हम अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं। दोस्तों एक यूनिक कॉन्सेप्ट है मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट, मार्केट से बिल्कुल हटके, इससे हम कैसे एक अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अपनी लाइफ में अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी आपको करना होगा, क्योंकि मार्केट में सारे कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं एक ही तरह के अगर हैं, और आप भी अगर उसी तरह के कॉन्सेप्ट को करते हैं और अपने लोगों के पास लेकर जाते हैं, तो ऑलरेडी हर किसी के पास कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर सेम कॉन्सेप्ट लेकर जाएंगे तो आपके साथ लोग क्यों आएंगे। दोस्तों कुछ आपके पास डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तभी आपके पास लोग आएंगे और आपके साथ ज्वाइन होंगे, आपके सिस्टम में आएंगे। तो बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं आज दोस्तों हेजक्स फंड में, जो बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक और मार्केट से बिल्कुल हटकर। अभी तक कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर आई लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आई, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं लेकर आई, इतना बड़ा अर्निंग देने वाली कंपनी नहीं आई फ्रेंड्स। सारी चीज़ों को अगर आप खुद समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये चीज़ें आपको सेल्फ रियलाइज़ होगी कि हाँ हेजक फंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूनिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बिल्कुल सबसे हटके कैसे हैं समझने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के प्रोफाइल को बताना चाहूँगी। कंपनी मॉरिसस से स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स, कंपनी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है और ग्लोबल यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देती है, डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइड करती है। हमारे जो सिस्टम है बेसिकली ट्रेडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट हमारा है, ट्रेडिंग बेस्ड सिस्टम है। कंपनी 2008 से ही ट्रेडिंग कर रही है और कंपनी के पास जो R&D टीम है दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंसफुल टीम है, क्योंकि इतने सालों से ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मतलब होगा ही जब ट्रेडिंग कर रही है। तो और फ्रेंड्स केवल टीम नहीं है, एक्सपीरियंसफुल केवल टीम नहीं है और टीम से केवल हमारे सिस्टम में ट्रेडिंग नहीं होता है, साथ ही साथ दोस्तों रोबोट ट्रेडिंग, AI बेस्ड ट्रेडिंग होता है, जिसका कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी टीम भी होती है एक्सपीरियंसफुल और AI बेस्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है यानी रोबोट ट्रेडिंग AI बेस्ड जो है दोस्तों, उसका भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दोनों का प्रॉफिट आपको हमारे सिस्टम में देखने को मिलता है, 24/7 आपको सपोर्ट मिलता है टीम का। तो फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए अगर आप खुद ट्रेडिंग करना चाहें तो भी आप सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, बट मार्केट के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने जहां तक देखा तो ये नहीं देखा कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन दिया जाता हो वहां पर। हाँ कंपनी ये बोलती है कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसका प्रॉफिट हम देंगे, वरना आपको अगर ट्रेडिंग अगर हम सिखाते हैं बताते हैं दोस्तों फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, उसके लिए लोग लाखों रुपये फिर आपसे फी लेते हैं सिखाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए मतलब जो चीज़ें होती है वो सिखाने के लिए। लेकिन हमारे सिस्टम में फ्रेंड्स क्या है कि आप सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहे कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे आप प्रॉफिट लेना चाहे आप प्रॉफिट ले सकते हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल्स टाइप्स ऑफ ऑप्शन होने की वजह से अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, कंपनी 24/7 जो हमारी टीम है सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से दोस्तों अलग अलग कंट्री की कंपनियाँ और यूजर्स भी एसोसिएट हो रहे हैं सिस्टम के साथ, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, ईस्ट साउथ अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, चाइना, नाइजीरिया, कैमरून, घाना, इस तरह से दोस्तों ग्लोबल यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें कंपनी दोस्तों तो ऐसा नहीं कि केवल मतलब कि फॉरेक्स के ही अंदर ट्रेडिंग करती है, क्रिप्टो के अंदर भी करती है। दोस्तों फॉरेक्स की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है,
जिस मतलब कि हर कोई जानता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट फॉरेक्स मार्केट है। अगर कोई भी व्यक्ति फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करने में एक्सपर्ट हो जाता है या थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा प्रॉफिट अगर लेने लगता है फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी जॉब और किसी भी बिजनेस की जरूरत उस इंसान को पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों अपने आप में वो इंसान एक कंपनी बन सकता है और हमारे सिस्टम में एक नहीं दोस्तों ऐसे बहुत सारी टीम एक्सपीरियंस फुल है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे सिस्टम में दोस्तों किस तरह से बेनिफिट हमारी टीम निकालती है। साथ ही साथ AI बेस्ड कॉन्सेप्ट है तो और उसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। दोस्तों फॉरेक्स का हम बात करें तो 800 मिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा एक दिन का टर्नओवर होता है। अगर हम बात करें हेजक्स फंड को क्यों चूज करें, क्योंकि आपकी ये बात हो सकती है कि ट्रेडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट और भी मार्केट में है, मार्केट में आए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, गए भी बहुत सारे, आएंगे भी, लेकिन हम हेजक्स फंड को क्यों चूज करें, ये दोस्तों क्यों मतलब कि हमारे लिए ज़रूरी है आज के टाइम में, कैसे सबसे डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ आपको बहुत सारे ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के वेराइटी देखने को मिलते हैं, जैसे इंक्लूडिंग कमोडिटीज़ हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, 24 आवर्स 7 डेज मार्केट ट्रेंड एनालिसिस आपको मिलता है फ्रेंड्स, मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ का नहीं, उससे आपको पता चलेगा किसमें हमें ट्रेड लगाने चाहिए किसमें नहीं लगाने चाहिए। मेटा ट्रेड 5 प्लेटफॉर्म पर दोस्तों कंपनी ट्रेडिंग करती है, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे और उस प्लेटफॉर्म पर अगर आप खुद सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है दोस्तों, हर कोई करता है। अगर हम बात करें हमारे सिस्टम में एक्यूरेसी का, तो दोस्तों AI एनालिसिस सिस्टम है तो यहाँ पर एक्यूरेसी 97% देखने को मिलता है। वहीं अगर कोई एक मतलब केवल टीम करती है, टीम बेस होता है, तो इतनी बड़ी एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलती जैसे कि अदर सिस्टम है। दोस्तों रियल टाइम मार्केट एनालिसिस भी मिलता है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हेजक्स फंड को यूनिक बनाती है। दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप्स से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, 3 टाइप के, पर्सनल ट्रेडिंग का, कॉपी ट्रेडिंग का, AI ट्रेडिंग का। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब कंपनी का अगर कॉपी ट्रेडिंग करना चाहे तो भी कर सकते हैं। पर्सनल ट्रेडिंग का मतलब फ्रेंड्स कि अगर आप अपने पैसे को कंपनी को नहीं देना चाहते हैं, खुद ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है आपके पास अगर एक्सपीरियंस है कि इसमें ट्रेड लगाएंगे या हम ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो आप खुद भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके लिए कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, कंपनी की टीम आपको सपोर्ट करेगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है या मतलब लॉस से डर लगता है या जो भी वजह रहा हो या आपके पास टाइम नहीं हो बैठकर ट्रेडिंग करने का, जो भी रीज़न रहा हो, तो दोस्तों उसके लिए कंपनी आपको AI ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, हेजक्स फंड, जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करके और उसका प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट आप ले सकते हैं। कंपनी भी क्या करेगी, आपके अमाउंट का जो आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट से ट्रेडिंग करेगी और उस ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होगा वो शेयर करेगी। तो दोस्तों ऐसा भी आप कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ईजी और बेनिफिशियल है, क्योंकि आप माइंड फ्री होकर इन्वेस्टमेंट करके और टीम वर्क करके दोस्तों उससे बड़ा अर्निंग आप कर सकते हैं, जितना कि आप सेल्फ ट्रेडिंग भी करते हैं तो उतना बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। दोस्तों जो रोबोट ट्रेडिंग होता है उसमें 2 तरह का ट्रेडिंग होता है, एक एल्गो बेस होता है और एक AI बेस होता है। बट AI बेस जो ट्रेडिंग होता है इसका दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें AI और मैनुअल ट्रेडिंग के बीच डिफरेंस का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कोई भी इंसान हो तो उस इंसान का ब्रेन का एक लिमिटेशन होता है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने का स्पीड हो या डाटा इंटरप्रिटेशन का स्पीड हो, तो उसके ब्रेन का मतलब क्या होगा, एक लिमिटेशन होगा। लेकिन दोस्तों ह्यूमन ब्रेन से भी फास्ट वर्क करता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों साथ ही साथ एक्यूरेसी भी, स्पीड तो होता ही होता है, एक्यूरेसी भी देखने को मिलता है। हम और आप अगर एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं तो स्पीड नहीं हो पाता है, स्पीड को मेंटेन करें तो एक्यूरेसी नहीं हो पाएगा और उतना स्पीड भी नहीं हो पाएगा, उसका भी एक लिमिटेशन होगा। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों मैनुअल और AI के बीच में। अगर हम बात करें इमोशन का, तो आप सभी को पता है हर इंसान के अंदर इमोशन है और हम और आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इमोशन का उस ट्रेडिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से बड़े बड़े लॉसेस भी कर बैठते हैं। लेकिन AI के अंदर कोई इमोशन नहीं होता है दोस्तों, साथ ही साथ एक साथ बहुत सारे इंडिकेटर को इवेलुएट भी कर पाते हैं यानी मूल्यांकन कर पाते हैं ट्रेडिंग के टाइम में जो इंडिकेटर्स होते हैं,
हम और आप उतना दोस्तों एक्यूरेट और फास्ट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, इवेलुएट नहीं कर पाएंगे एक्यूरेट जितना कि AI सिस्टम में होता है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या होता है प्रॉफिट लेने के लिए, राइट टाइम पर एंट्री करना। जैसा कि फ्रेंड्स मैं हर दिन बोलती हूँ कि राइट प्लेटफॉर्म पर राइट डिसीजन राइट टाइम पर होना चाहिए। दोस्तों सेम चीज ट्रेडिंग के अंदर भी होता है, अगर राइट टाइम पर ट्रेड में आप एंट्री करते हैं तो आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, बट हमें नहीं पता होता है कि राइट टाइम कब है कब नहीं। मैनुअल ट्रेडिंग अगर हम यानी कि सेल्फ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई भी इंसान अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो उतना ज़्यादा मतलब एक्यूरेट एनालिसिस नहीं कर सकता है। बट दोस्तों AI में क्या होता है कि सही टाइम पर ट्रेड लगते और सही टाइम पर एग्जिस्ट होते ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। इसलिए दोस्तों मार्केट में देखा जाए तो AI जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी होता जा रहे हैं, और आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां आ रही है और मतलब कि ये बोल दे रही है कि हम AI ट्रेडिंग कर रही है या बोल रही है हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग के नाम पर लोग पैसे दे रहे हैं, और जब 2 महीने 3 महीने बाद लोगों को कह रही तो बट फ्रेंड्स हमें और आपको फिर पता कैसे चलेगा कि कोई भी कंपनी ट्रेडिंग कर रही है नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा मतलब कि एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम के अंदर कि हम कैसे समझ पाएंगे कि कंपनी रियल में ट्रेडिंग करती है या नहीं करती है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि हेजेक्स फंड में आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मार्केट में जितने AI चल रहे हैं AI बेस्ड कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसमें दोस्तों हमारे हेजेक्स के अंदर जो AI मतलब कॉन्सेप्ट है AI बेस्ड सिस्टम जो हमारा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केट के अंदर जो AI चल रहे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, हटके हैं। कैसे? क्योंकि हमारे AI के अंदर क्या है फ्रेंड्स 28 डिफरेंट लो रिस्क स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन है, यानी कि मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी जिसमें रिस्क बिल्कुल लो हो ऐसा 28 स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन हमारी AI के अंदर है, जैसा कि आपको रिस्क ज़्यादा नहीं मतलब रिस्क से लोगों को अगर डर लगता है ना रिस्क लेने से तो बिल्कुल लो रिस्क है। दोस्तों आगे अगर हम देखें तो 24 आवर 5 डेज मंडे टू फ्राइडे जो मार्केट होता है ट्रेडिंग का उसका वॉच करना एनालिसिस करना ये सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर ट्रेड एक्यूरेसी देखने को मिलता है 80% जो कि काफ़ी इनफ होता है। और हमारी AI के अंदर कोई ग्रीड नहीं, कोई फियर नहीं, कोई इमोशन नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, जो मार्केट में अभी तो कोई भी सिस्टम आई तो इस चीज़ को नहीं लेकर आई या पब्लिक डोमेन में इस चीज़ को शेयर नहीं की, वो दोस्तों अपने अकाउंट को लाइव, अपने अकाउंट को शेयर करना नहीं अपने अकाउंट को लाइव शेयर करना। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनी तो सिस्टम में जैसे मार्केट में आई तो अपने सिस्टम के अंदर ये दिखाती है कि हम ट्रेडिंग करते हैं आप ये देख लो स्क्रीनशॉट, लेकिन मैं लाइव की बात कर रही हूँ, वैसा स्क्रीनशॉट की बात नहीं कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, हो सकता है आपका मतलब पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा उसके भी आपने अगर आप सोचते हैं फ्रेंड तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा स्क्रीनशॉट, ऐसा कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर लाइव देखेंगे। जब आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी जब लाइव ट्रेडिंग करेगी तो वहाँ पर लाइव रेट जो होंगे वही रेट जब आप अपने अकाउंट में देखेंगे तो सेम होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल मतलब कंपनी ट्रेडिंग करती है, जेन्युइन है, ट्रांसपेरेंट है। दोस्तों यही हमारी पावर है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि पूरा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। अकाउंट कंपनी का आप लाइव के कैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आप कुल ID पासवर्ड मिलेगा कंपनी के साइट पर, जैसे जाएंगे अपनी ID को लॉगिन करेंगे ID पासवर्ड मिलेगा, उस ID पासवर्ड से आप जिस प्लेटफॉर्म पर कंपनी ट्रेडिंग करती है वहां पर जाकर आप साइन इन करेंगे कंपनी के अकाउंट को। दोस्तों वहां पर सारी चीज़ें आपको लाइव दिखेगी, कंपनी का अकाउंट में कितने फंड है, कितने कंपनी ने डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल किया, कहाँ पर लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ, किस में ट्रेड लगाया, कितना सेल किया, कितना बाय किया, सारी हिस्ट्री आपको शो होगी। तो दोस्तों ये ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम की है। अब हम बात करेंगे बिजनेस कॉन्सेप्ट का, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें और हम बिजनेस को स्टार्ट करके कैसे अपने सपने को यहाँ से साकार कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आप $25 से इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। $25 से लेकर $499 के बीच में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो ये अकाउंट होगा आपका सेंट। 5-20% ऑफ फ्रेंड्स इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा मंथली बेसिस पर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट $500 से लेकर के $2499 के बीच में होता है तो आपका अकाउंट टाइप होगा प्रो, और यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा 6-30% के बीच में होगा, ये मंथली बेसिस की मैं बात कर रही हूँ।
दोस्तों इसी प्रकार अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2500 से लेकर $99 के बीच में होता है तो आपका अकाउंट टाइप होगा ECN और यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा 8-40% के बीच में होगा, यानी जो भी एवरेज हो, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि हर दिन कंपनी या हर मंथ इतना प्रॉफिट लेगी, इसलिए यहाँ पर एवरेज आपको प्रॉफिट बताया जा रहा है। 10,000 या इससे अबव अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो आपका अकाउंट टाइप होगा स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट होगा मंथली बेसिस पर और 10-50% तक होगा मंथली बेसिस पर। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम बात क्या प्रॉफिट का दोस्तों टाइम जब बात करें तो आप देख सकते हैं एडी प्रॉफिट शेयरिंग है, रैंक रेफरल बोनस है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है, टी परफॉर्मेंस बोनस है, IB कमीशन है, कंपनी टर्नओवर बोनस है। इन सभी इनकम को एक एक करके हम लोग दोस्तों डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयरिंग बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस में फ्रेंड्स क्या है, आप 1-15 लेवल तक प्रॉफिट ले सकते हैं अपनी टीम से। 1-15 लेवल तक कैसे प्रॉफिट आता है, जिस लेवल में आपकी टीम होगी, टीम का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका जो उन्हें ट्रेडिंग रिटर्न मिलेगा, उस टीम को जो ट्रेडिंग रिटर्न मिलेगा उसका प्रॉफिट आपको मिलता है 15 लेवल तक। जैसा फर्स्ट लेवल से आपका 25%, सेकंड लेवल से 10% का प्रॉफिट है, इस तरह से दोस्तों थर्ड लेवल से जितनी भी आपकी थर्ड लेवल में टीम होगी उनका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उसका 7% का प्रॉफिट आपको होगा। तो देखा जाए तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से $95 होगा। 81 की अगर टीम फोर्थ लेवल में हो जाएगी, सभी का इन्वेस्टमेंट $500 का होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर $40,500 टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। 10% अगर ट्रेडिंग रिटर्न मिलता है तो $4,050 होता है और इस लेवल से 5% का प्रॉफिट आपको होता है, यानी $203 होगा। इसी प्रकार से फिफ्थ लेवल से 5% का बेनिफिट होता है, $608 होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिक्स लेवल से 4% का बेनिफिट होता है, सेवन्थ लेवल से 4% का, एट लेवल से 4% का, नाइन्थ से लेकर 12 लेवल तक 3-3% है, 30 लेवल से 2%, 14 एंड 15 लेवल से 1-1%। तो ये 15 लेवल तक हमारे दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है। आप लास्ट लेवल में देख सकते हैं हमारी 15 लेवल में कितनी अर्निंग होती है, $71,74,454। अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो $70,00,000 की अर्निंग होती है लास्ट वाले लेवल में। बाकी ये सारे इनकम को अगर आप ऐड करते हैं तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है फ्रेंड्स। तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि 15 लेवल के बाद हम अर्निंग कैसे कर पाएंगे, इसके बाद का इनकम तो नहीं आएगा। दोस्तों लेवल इनकम में तो लिमिटेशन होते हैं ना, जितने लेवल तक इनकम होंगे उतने लेवल तक आप इनकम ले पाएंगे, उसके बाद का लेवल का इनकम नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे सिस्टम में दोस्तों उसका भी प्रावधान है, उसके लिए भी कंपनी ने इस तरीके से डिजाइन किया गया है यहाँ पर कॉन्सेप्ट को कि 15 लेवल तक जो आप अर्निंग ले रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा उसके बाद जो बिजनेस होगा उसका भी आप प्रॉफिट ले पाएंगे। उसके लिए आपको रैंक को क्वालिफाई करना होगा। रैंक एलिजिबिलिटी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट के ऊपर आएंगे कि रैंक को क्वालिफाई करने के बाद प्रॉफिट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिस्टम एंट्री करती है, स्टार लेवल पर होती है आपका इन्वेस्टमेंट जो भी हो, लेकिन दोस्तों उसके बाद 15 लेवल के बाद अगर नहीं लेना है तो आपको IB रैंक अचीव करना हो, या SIB या DIB, MIB, STIB, यानी IB से स्टार्ट यहाँ पर आपको करना होगा रैंक अचीव, तभी आप 15 लेवल के बाद अर्निंग ले पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स $500 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 5 आपके डायरेक्टर होने चाहिए बंदे, इस तरह से आपके आईडी से स्पॉन्सर होने चाहिए 5 किसी भी पैकेज से हो, बट आपकी फर्स्ट लेवल की टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो $3,000 की होनी चाहिए, चाहे वो एक बंदे से हो या जो 5 बंदों को आपने डायरेक्ट किया उन सभी से हो, लेकिन $3,000 का आपका डायरेक्ट रेफरल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। टोटल ग्रुप का इन्वेस्टमेंट आपका $20,000 का होना चाहिए तो आप इस रैंक को क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट रैंक किसी प्रकार से SIB का है, इसके लिए $2,500 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट, 15 आपको डायरेक्ट करने हैं, 2 डिफरेंट लेग में IB क्वालिफाई कराने हैं, यानी एक लेग में आपकी IB हो गए और इसी प्रकार से किसी दूसरे लेग में IB हो गए, ठीक है, अलग अलग लेग में होने चाहिए 2 IB। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं $10,000 का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, $1.5 लाख का टोटल इंटायर ग्रुप का इन्वेस्टमेंट। आगे हम बात करेंगे DIB रैंक, इसके लिए $5,000 का आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 2 डिफरेंट लेग से SIB क्वालिफाई होने चाहिए, $25,000 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, $10 लाख का ग्रुप का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। MIB रैंक को अचीव करने के लिए $10,000 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 2 डिफरेंट लेग से DIB होने चाहिए, $50,000 का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, $25 लाख का इंटायर ग्रुप का।
एसटीआईबी रैंक के लिए $25,000 का पर्सनल इन्वेस्टमेंट टू डिफरेंट लेग से एमआईबी होने चाहिए, यानी कि जिस रैंक पर आप थे, $1,25,000 का डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट, $65,00,000 का आपका इंटायर ग्रुप का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका हुआ रैंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे कि इस रैंक को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक रेफरल बोनस की बात करेंगे, मीन्स कि आप जितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं उनको जो ट्रेडिंग रिटर्न आएगा उसका प्रॉफिट दोस्तों अगर आप आईबी रैंक पर है तो 50% आएगा। अगर कोई आपकी टीम, मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर ए को $100 का प्रॉफिट आ रहा है ट्रेडिंग रिटर्न, तो उसका 50% यानी $50 आपको भी आएगा। इसी प्रकार से मिस्टर बी, मिस्टर सी, सभी से फ्रेंड्स आपको आने हैं जितने डायरेक्ट आप करेंगे, एसआईबी रैंक अचीव करते हैं तो यही प्रॉफिट 50% जो है वो 75% हो जाता है, यानी कि $75 आपको आते हैं अगर आपके डायरेक्ट वाले बंदे को $100 आ रहे हैं तो। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जितने हायर रैंक आप अचीव करेंगे उतनी बड़ी आपकी अर्निंग होगी, डायरेक्ट रेफरल इनकम भी आपकी होगी उतनी बड़ी। डीआईबी रैंक को अगर आप अचीव करते हैं तो 100% का प्रॉफिट है, एमआईबी रैंक के लिए 125%, एसटीआईबी रैंक अचीव करते हैं तो 150%, यानी कि मान लीजिए आप एसटीआईबी रैंक पर हैं, किसी एक बंदे को आपने डायरेक्ट किया, अगर फ्रेंड्स वो बंदा अगर $100 का प्रॉफिट ले रहा है तो $150 आपको आएगा 150%। इस प्रकार से ये दो रैंक ऐसे हैं एमआईबी और एसटीआईबी जिनको दोस्तों रैंक रेफरल बोनस ज़्यादा आता है, जिनको वो डायरेक्ट करते हैं उनको जो ट्रेडिंग रिटर्न आता है उनसे भी ज़्यादा इस दो रैंक अचीवर्स को आता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सभी का टारगेट इस दो रैंक को अचीव करने का होता है। आगे हम बात करेंगे टीम परफॉर्मेंस बोनस। अभी आपने देखा कि ये डायरेक्ट जो आप कर रहे हैं उनसे प्रॉफिट हो रहे हैं रैंक रेफरल बोनस, लेकिन फ्रेंड्स हम बात करें टीम परफॉर्मेंस बोनस यानी इंटायर टीम का। अब यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ तक ही इनकम मिलेगा, पूरी टीम का आपको प्रॉफिट मिलता है दोस्तों यहाँ से। जैसे मान लीजिए आप आईबी रैंक को अचीव कर लिए, इंटायर टीम में आपका जो बिजनेस होगा उस बिजनेस का जो ट्रेडिंग रिटर्न होगा, ट्रेडिंग रिटर्न जो मिलेगा आपकी टीम को, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए 1,00,000 मिला तो उसका 5% फ्रेंड्स आपको मिलेगा। इसी प्रकार से एसआईबी रैंक अचीवर बनते हैं तो 10% का प्रॉफिट मिलता है, डीआईबी रैंक अचीवर बनते हैं तो 15% का, एमआईबी रैंक अचीवर को 20%, एसटीआईबी रैंक अचीवर को 25%। यानी कि एसटीआईबी जो रैंक अचीव करते हैं इंटायर ग्रुप इंटायर टीम का जो उन्हें ट्रेडिंग रिटर्न मिलेगा दोस्तों उसका 25% इन्हें मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आप सभी को पता है कि एसआईबी अगर रैंक को अचीव करते हैं तो टू डिफरेंट लेग में आपकी आईबी भी होंगे, आईबी तभी आप इस रैंक को अचीव किए हैं दोस्तों। जिस लेग में आईबी है उस लेग में जो बिजनेस होगा उस बिजनेस का 5% आपको मिलेगा, क्योंकि 5% आईबी को जाएंगे, टोटल 10% ही कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो 5% आईबी को जाएंगे, 5% आपको आएंगे, बाकी जो रेस्ट बिजनेस होगा उसका प्रॉफिट आपको दोस्तों 10% का मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर डिफरेंशियल है। डिफरेंस भी देखा जाए तो एक से दूसरे रैंक के बीच में मिनिमम 5% का डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा इनकम है वो है आईबी कमीशन। आईबी कमीशन भी बहुत ही शानदार बोनस है फ्रेंड्स, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉट समझना होगा, 1,000 USD इक्वल टू 1 लॉट है दोस्तों। आईबी रैंक अचीवर्स को 5 USD पर लॉट का प्रॉफिट मिलता है, जिस तरह से मान लीजिए कि 1,000 USD का बिजनेस गया इंटायर टीम से, आप आईबी रैंक पर हैं, ओके? तो यहाँ पर लॉट देखा जाएगा कितना लॉट हुआ, 1000 से डिवाइड करेंगे 100 लॉट हुआ। हमारी कंपनी 4 लॉट का ट्रेडिंग करती है इन अ मंथ, यानी एक मंथ में 4 लॉट का ट्रेडिंग करती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 400 लॉट हो गए, 5 USD पर लॉट आपको प्रॉफिट आ रहे हैं तो 2,000 USD आपको प्रॉफिट होंगे। इसी प्रकार से अगर आप एसआईबी रैंक के अचीवर्स हैं तो आपको 8 USD पर लॉट का प्रॉफिट मिलता है, डीआईबी रैंक अचीवर हैं तो 11 USD पर लॉट का प्रॉफिट मिलता है, एमआईबी रैंक अचीवर हैं तो 14 USD पर लॉट का प्रॉफिट मिलता है, एसटीआईबी रैंक के अचीवर को 17 USD पर लॉट का प्रॉफिट मिलता है, ओके? दोस्तों यहाँ पर भी डिफरेंशियल है। अगर हम बात करें एसआईबी का तो जो एसआईबी रैंक के अचीवर होते हैं उनके दो टीम में आईबी होते हैं, जो आईबी होंगे उनको 5 USD पर लॉट के हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा, जो उस लेग में बिजनेस जाएगा उसको लॉट में कन्वर्ट करेंगे और वहां से 5 USD पर लॉट आईबी को चला जाएगा, रेस्ट कितना बचेगा 3 USD पर लॉट, क्योंकि आप 8 पर हैं तो डिफरेंस यहां पर देखा जाएगा 3 USD पर लॉट दोस्तों आपको प्रॉफिट होगा जितना लॉट होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर डिफरेंशियल है, मिनिमम डिफरेंस अगर देखा जाए एक से दूसरे रैंक के बीच में तो मिनिमम 3 के डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं।
इसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे और कंपनी टर्नओवर का बहुत ही शानदार इनकम यहाँ पर दो रैंक अचीवर को दिया गया है, एमआईबी और एसटीआईबी। जैसे एमआईबी रैंक अचीवर्स अगर आप बनते हैं तो कंपनी अपने टर्नओवर का 1% अमाउंट निकालती है और इस अमाउंट को ओनली एमआईबी रैंक अचीवर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो टर्नओवर होगा उसका 1% अमाउंट मान लीजिए कि 10,000 यूएसडी हुआ, ओके, और हमारे 10 अचीवर्स हैं तो 1,000 यूएसडी पर अचीवर्स यहाँ से मिलेंगे। अगर 100 अचीवर है तो 100 यूएसडी पर अचीवर्स यहाँ से मिलेंगे, अर्निंग उनको होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स नंबर ऑफ अचीवर्स और कंपनी के टर्नओवर पर ये अमाउंट डिपेंड करेगा। ये एग्जांपल आपको इस तरह से शो किया गया है। एसटीआईबी रैंक अचीवर्स अगर बनते हैं तो यहाँ पर 1.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनी अपने टर्नओवर का 1.5% डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ओनली एसटीआईबी रैंक अचीवर्स के बीच में किया जाता है। फॉर एग्जांपल कंपनी टर्नओवर का 1.5% अमाउंट 15,000 यूएसडी होता है, ओके 15,000। और दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर 10 ही अचीवर्स हमारे हैं एसटीआईबी रैंक अचीवर, तो कितना पड़ेगा 1500 यूएसडी पड़ेगा पर अचीवर। अगर 100 अचीवर है तो कितने पड़ेंगे, एक अचीवर पर $150 पड़ेंगे। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने अचीवर्स होंगे 100 अचीवर्स होंगे, कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा होगा, अमाउंट भी ज़्यादा होगा, अचीवर्स ज़्यादा होंगे, जो भी दोस्तों उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये अमाउंट कोई फिक्स नहीं आपको बताया जा सकता है कि क्या फिक्स होगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग बेस है दोस्तों। तो बाकी जितने भी आपने इनकम देगा एक एग्जाम्पल पर कैलकुलेशन आपको शो किया गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता है तो आपको कभी ज़्यादा भी मिल सकते हैं कभी कम भी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कितना निकाल पाती है इस पर डिपेंड करता है दोस्तों। यहाँ पर तो कंपनी का टर्नओवर है तो कंपनी का टर्नओवर जो होगा उसका यहाँ पर शेयरिंग किया गया है, तो इसलिए ये अमाउंट फिक्स नहीं है। बट उसके बावजूद भी एक छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग देखे आईबी रैंक अचीव करने के बाद कितनी अर्निंग हो सकती है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस रैंक को अचीव करने के लिए $500 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए। $500 का अगर 20% प्रॉफिट अगर देखा जाए, ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको मंथली मिलता है, तो कितना हुआ $100 हुआ। डायरेक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट इस रैंक को अचीव करने के लिए $3,000 का होना चाहिए। रैंक रेफरल बोनस आईबी रैंक जो अचीवर होते हैं उनको 50% का मिलता है, ओके। तो दोस्तों वो $3,000 का 20% यानी $600 आपकी फर्स्ट लेवल की टीम को ट्रेडिंग रिटर्न मिला, तो उसका 50% यानी $300 आपको भी मिलेंगे। इंटायर ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है $20,000 होता है फ्रेंड्स इस रैंक को अचीव करने के लिए। $20,000 का 20% यानी कि $4,000 होता है और टीम परफॉर्मेंस बोनस 5% मिलता है आईबी रैंक अचीवर को, तो यहाँ से देखा जाए तो $200 हुआ। आईबी कमीशन की बात करें तो $20,000 ये तो दोस्तों यानी कंपलसरी है ना, ये बिजनेस है, ये तो आपको बिजनेस हुए ही रहेंगे, इससे ज्यादा भी रहेंगे, बट इतना आपको रहेंगे ही रहेंगे उस पर ये कैलकुलेशन शो किया गया है। तो यहाँ पर 20 लॉट होगा, 1 month में कंपनी 4 लॉट का ट्रेड करती है तो टोटल 80 लॉट हो गया। 5 USD पर लॉट के हिसाब से आईबी रैंक अचीवर को इनकम आते हैं आईबी कमीशन, तो $400 हो गए। टोटल इस इनकम को ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो $1,000 होता है, जो कि एक हैंडसम अर्निंग होती है आईबी रैंक अचीव करने के लिए। अब देख सकते हैं कोई बड़ा यहाँ पर कंडीशन नहीं है, फिर भी आप देखिए 80,000 rupees मंथली, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग बोनस यानी 1 टू 15 लेवल तक के इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया है, अगर उसको कर दिया जाए फ्रेंड्स तो 1 lakh प्लस अर्निंग होती है यहाँ पर मंथली इंडियन रुपीज में मैं बात करूँ तो आईबी रैंक अचीवर्स को। और दोस्तों ये कोई मतलब कि ये खराब इनकम नहीं है, आईबी रैंक को अचीव करते हैं तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं 1 lakh पर मंथ की अर्निंग से। वो भी दोस्तों एवरी मंथ आती है, ऐसा नहीं कि इस मंथ में आई नेक्स्ट मंथ में नहीं, एवरी मंथ आती है। आगे हम बात करेंगे इस आईबी रैंक अचीवर्स को और बड़ी अर्निंग होती है, जैसे इनका कैलकुलेशन देखें तो आप देख सकते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है $2,500 का, जिसका 20% यानी $500 का इनको ट्रेडिंग प्रॉफिट मिला। डायरेक्ट इनका बिजनेस होता है $10,000 का, जिसका 20% यानी कि $2,000, इसका 75% डायरेक्ट रेफरल इनको इनकम मिलता है, तो $1,500 होता है। टीम परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो फ्रेंड्स इनके टीम में टोटल जो बिजनेस होता है $1.5 lakh का होता है, लेकिन $40,000 का बिजनेस आईबी से होता है, 2 leg में आईबी होते हैं उनके माध्यम से, तो उसका 20% $8,000 का ओनली 5% इनको मिलेगा, क्योंकि 5% आईबी को जाएंगे, 5% एसआईबी आप रैंक पर हैं तो आपको मिलेगा, तो $400 हुआ। लेकिन इंटायर बिजनेस में से 40,000 अगर आप माइनस करें 1,10,000 जो रेस्ट आपका बिजनेस बचा उसका 20% $22,000 हुआ, इसका 10% आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप इस आई बी रैंक पर हैं तो टीम परफॉर्मेंस बोनस 10% मिलता है इस रैंक अचीवर्स को।
आगे हम बात करेंगे आईबी कमीशन। आईबी कमीशन फ्रेंड्स क्या है, जो $40,000 का आईबी से बिजनेस हुआ है उसको लॉट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से $3 पर लॉट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप $8 पर लॉट पर होते हैं और आपके नीचे जो आईबी होते हैं वो $5 पर लॉट पर होते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस 3 का हुआ। रेस्ट जो आपका बिजनेस होगा उसको अगर लॉट में कन्वर्ट करेंगे तो उससे दोस्तों आपको $8 पर लॉट के हिसाब से आपकी अर्निंग होगी, $3,520 होता है टोटल, यहाँ पर ऐड करेंगे तो $8,600 होता है, जो कि दोस्तों एक हैंडसम अर्निंग है। इसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इंक्लूड नहीं किया गया, उसके बावजूद भी अगर इंक्लूड करके बात करें तो 10 लाख प्लस पर मंथ की आपकी अर्निंग होती है इंडियन रुपीज में। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं 10 लाख मंथली अर्निंग ओनली SIB रैंक अचीवर्स बनते हैं। तो आगे हम बात करें DIB रैंक अचीवर बनेंगे और बड़ी अर्निंग $64,400 जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों MIB की बात करें तो यहाँ पर और बड़ी अर्निंग होती है, कंपनी टर्नओवर का इनकम जो 1% का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें किया जाता है उसको छोड़ करके, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को छोड़ करके, ये दो इनकम को दोस्तों छोड़ करके यहाँ पर उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं $1,14,500 प्लस डॉलर में दोस्तों अर्निंग होती है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी अर्निंग यहाँ से हो सकती है मंथली की मैं बात कर रही हूँ, और बाकी प्रॉफिट शेयरिंग बोनस और कंपनी टर्नओवर का जो बोनस आता है उसको ऐड कर दिया जाए तो और बड़ी अर्निंग होगी। और इसके बाद जो हमारा लास्ट रैंक है उस रैंक को तो और बड़ी अर्निंग होगी। कुछ फ्रेंड्स टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस में आता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है, और इन्वेस्टमेंट जहाँ पर करना होता है वहाँ पर उसके माइंड में एक डर बैठता है अपने प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर, कहीं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट डूब ना जाए। लेकिन दोस्तों हेजेक्स फंड में हर कोई बिंदास आ रहे हैं, बिंदास बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी बोलती है कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं, कोई कंडीशन उसके ऊपर नहीं है। बस दोस्तों ये है कि 3 मंथ से पहले अगर आप लेते हैं तो 10% का डिडक्शन होगा, आफ्टर 3 मंथ लेंगे तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। इनकम की बात करें तो जो आपकी अर्निंग होती है, इनकम होती है, उसका विड्रॉल आप $10 ले सकते हैं मिनिमम, कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं अपनी इनकम का, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। हम बात करें तो कंपनी यहाँ पर कोई मनी रोटेशन नहीं करती है, कोई पैसे का रोटेशन नहीं करती है। कंपनी जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उससे जो ट्रेडिंग करती है, उस ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को शेयरिंग करती है आपकी और आपके टीम के बीच में पूरी तरह से। दोस्तों एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, क्योंकि पैसे यहाँ पर कंपनी जनरेट करके और अपना जो प्रॉफिट कर रही है वो दे रही है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मतलब कि संदेह और कोई डाउट नहीं बसता है किसी के मन में इन सारे चीज़ों को समझने के बाद। उसके बावजूद भी दोस्तों अगर 1% आपके माइंड में ये डाउट होता है कि कंपनी ट्रेडिंग करती है कि नहीं करती है, तो उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले फिर से मैं बताना चाहूँगी कि हेजेक्स फंड क्यों करना ज़रूरी है, ये सबसे पहले आप को दोस्तों समझना होगा वाई दोस्तों हेजेक्स फंड, क्योंकि वाई जब आपका क्लियर हो जाएगा तो हेजेक्स फंड करना कैसे है, किनके साथ करना है, कैसे करना है, कितनी अर्निंग करना है, ये सारा कुछ आप प्लानिंग कर लेंगी, लेकिन वाई क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी फ्रेंड्स ये है कि कंपनी अपने अकाउंट को पब्लिक डोमेन में लाइव कर दी है, कोई भी कंपनी के अकाउंट को लाइव देख सकते हैं, कंपनी ट्रेडिंग करती है, किस में ट्रेड लगाती है, कंपनी का अकाउंट में कितने मतलब कि अमाउंट डिपॉजिट किए गए हैं, कितने विड्रॉल लिए गए हैं, वो सारा हिस्ट्री आपके सामने शो होता है। तो इससे बड़ी और ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, ये सबसे प्लस पॉइंट हमारे हेजेक्स फंड का है। साथ ही साथ हमारे AI के अंदर 28 दोस्तों अलग अलग तरीके के लो रिस्क स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन डाला गया है, और AI प्लस एक्सपीरियंसफुल जो हमारी टीम है 2008 से हमारी सिस्टम जो ट्रेडिंग कर रही है, तो एक्सपीरियंसफुल जो टीम हमारे पास है उन सभी दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे कि एक अच्छा प्रॉफिट कंपनी निकालती है। 2 साल कंपनी टेस्टिंग के बाद इस कॉन्सेप्ट को मार्केट के अंदर लेकर आई है, अभी ये प्री लॉन्च में कॉन्सेप्ट है, लॉन्च भी नहीं हुआ है। दोस्तों 2 ईयर्स तक कंपनी ने 20-30% लगातार प्रॉफिट लेने के बाद इस कॉन्सेप्ट को मार्केट के अंदर लेकर आई है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा 2-4-5 दिन ट्रेडिंग किया और हाँ प्रॉफिट ले रहे हैं, कंपनी ने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। 2008 से कंपनी ट्रेडिशनली ट्रेडिंग कर रही है। अब इसको दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री के लेकर अंदर आई है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट मिल सके, इसलिए फ्रेंड्स ये राइट टाइम है हेजेक्स फंड को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग फेज है, और यहाँ पर धीरे धीरे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी हमारी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लोगों को ऑटोमेटिक खींचकर अपने तरफ लेकर आ रहे हैं। हमारे और आप
में दोस्तों वो क्वालिटी नहीं है, वो हमारे कॉन्सेप्ट में वो ताकत है, वो पावर है कि अगर आप किसी के सामने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं तो उस बंदे के मुंह से कभी भी नो वर्ड निकलेगा ही नहीं, अगर उसके सपने जिंदे हैं तो, अगर उस सपने को पूरे करने की चाहत रखते हैं तो। वरना दोस्तों कितना भी बेहतर कॉन्सेप्ट हो, अगर कोई सपने ही नहीं है, कुछ करने ही नहीं है, तो फिर हम क्यों बोलेंगे। अगर किसी के सपने हैं, उन सपने को पूरा करने की चाहत है, वाकई अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है, मेहनत करना चाहते हैं बंदा, तो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके मुंह से एक ही वर्ड आएंगे फ्रेंड्स, यस का, नो का कभी नहीं। बस इसके लिए जरूरत है आपको अपनी कॉन्सेप्ट को ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज को उनके सामने प्रेजेंट करने का, और उनकी जो नीड्स है, उनकी जो ड्रीम्स है, वो हमारे कॉन्सेप्ट से कैसे फुलफिल हो सकते हैं, इसको दोस्तों रियलाइज कराने का। आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी लोगों ने काफी देर से, यानी कि हमारे साथ आप लोग बने रहे, हमें सुनते रहे, और आप सभी लोगों ने अपना कीमती वैल्यूएबल टाइम निकालकर इस मंच पर आया, इसके लिए आप सभी लोगों को वेरी वेरी थैंक्स। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी कि कंपनी अपने अकाउंट को कैसे लाइव दिखाती है, कंपनी का आईडी पासवर्ड कहाँ पर लाइव दिखते हैं, और वहाँ से कैसे हम कंपनी का अकाउंट को लाइव देख सकते हैं, इन सभी चीजों को आपको शो करना चाहूंगी। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर लेकर चलना चाहूंगी। तो अभी 2 से 3 मिनट तक फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपने ध्यान को, कंसंट्रेशन को स्क्रीन पर रखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स कंपनी के साइट पर आपको जाना होगा, उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, तो उसे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा, और फ्रेंड्स जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा जो आप देख सकते हैं, मेटाटेड 5। ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में अपलोड होना चाहिए तभी आप कंपनी अकाउंट को लाइव देख सकते हैं, वरना नहीं देख पाएंगे, इसलिए आप इस एप्लीकेशन को अपलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर लाइव अकाउंट देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही फ्रेंड्स आप क्लिक करते हैं लाइव अकाउंट पर, तो हमारी कंपनी के पास कितने अकाउंट है, 4 अकाउंट है, मतलब एशियन सेंट, जस्ट अ मिनट, एशियन सेंट, स्टैंडर्ड और आपने देखा प्रो, ये 4 तरह के हमारे कंपनी के पास अकाउंट है। चारों में से किसी भी अकाउंट को आप लाइव देखना चाहे आप देख सकते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति किसी भी अकाउंट को लाइव देख सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम की है। चलिए मैं सभी, आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर कंपनी के अकाउंट को लाइव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का ये आईडी पासवर्ड है सेंट का, जो मैं हर दिन आप लोगों को दिखाती हूँ, ये आईडी पासवर्ड है सेंट का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये सारी हिस्ट्री को लाइव देख सकते हैं, प्रॉफिट, डिपॉजिट, विडबल, हर दिन का, हर एक दिन का आप प्रॉफिट देख सकते हैं, या कंपनी में जिस दिन लॉस हुए वो सारे आपके सामने होते हैं क्योंकि लाइव है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कंपनी अपने लॉस को छुपाएगी, प्रॉफिट को दिखाएगी, ऐसा इसमें कुछ सिस्टम नहीं है क्योंकि लाइव किया गया है अकाउंट को। तो यहाँ पर आप हिस्ट्री में देख सकते हैं सारी चीजें। दोस्तों अगर आप किसी को भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताते हैं, समझाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट रह जाता है इस कॉन्सेप्ट में, जबकि सारी चीजें जब लाइव दिखती हैं तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। तो फ्रेंड्स हमें इस कॉन्सेप्ट में फास्ट डिसीजन लेने की बस जरूरत है, क्योंकि समय भी राइट है, क्योंकि सिस्टम अभी स्टार्ट हो रहा है, तो राइट टाइम है। प्लेटफॉर्म भी इतने बढ़िया, इतने खूबसूरत ढंग से डिजाइन किए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़िया है दोस्तों, इतनी स्ट्रांग है कि हर बंदे यहाँ पर दोस्तों बिलीव करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करके आप बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने किसी भी सिस्टम में बड़े सपने अपने सजाया होगा लेकिन वहाँ से पूरा नहीं हुआ होगा, तो फ्रेंड्स ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में चलकर आई है, बस इसको आपको समझने की जरूरत है, फिल करने की जरूरत है, और अपने जितने टीम के लोग हैं, जितने आपके जानने वाले लोग हैं, उनको फिल कराने की जरूरत है। यहाँ पर हर तरह के लोगों का वेलकम है। $25 का पैकेज कोई बड़ा पैकेज नहीं होता है फ्रेंड्स, $25 आप सोचिए कि 2,000 अगर हम सेव करके बैंक में रख लेते हैं तो 8 साल 10 साल के बाद वो क्या होंगे, 5,000 रुपये, 4 से 5,000 रुपये होंगे। दोस्तों उससे हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, कुछ नहीं। लेकिन वो दोस्तों 2,000-2,500 रुपीज अगर हम इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से दोस्तों प्रॉफिट लेना स्टार्ट करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो हमारे लाइफ में इतने पैसे आ सकते हैं कि शायद कभी भी हमें पैसों के लिए वर्क किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं करने पड़ेंगे।
किसी अदर कॉन्सेप्ट की तलाश नहीं रहेगी फ्रेंड्स। तो यकीन मानिए, अगर इस कॉन्सेप्ट पर विश्वास के साथ अगर आप 90 डेज दे देते हैं पूरी ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को, तो उसके बाद कभी भी आपको पैसे के लिए अपनी लाइफ पर वर्क नहीं करनी पड़ेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी से आपको देना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप ईमानदारी से देंगे तभी वहाँ से आप बेनिफिट ले पाएंगे। आप सोचिए, अगर कोई भी आपका ही बिजनेस अगर पर्सनल हो, आप किसी दिन आप जाएंगे दुकान ओपन करेंगे, किसी दिन नहीं करेंगे, तो क्या दोस्तों कस्टमर बनेंगे नहीं बनेंगे? तो अगर एक प्लेटफॉर्म पर, अच्छे प्लेटफॉर्म पर विश्वास के साथ आप टिक कर काम करेंगे, तो आपकी टीम भी आपके साथ बनी रहेगी और आपके साथ आएगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा। और आपकी वजह से अगर आपकी टीम प्रॉफिट करेगी तो हमेशा आपको रिस्पेक्ट देगी, मान सम्मान देगी। और दोस्तों, किसी को चाहिए क्या अपने लाइफ में? यही तो चाहिए। 99% तो हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम होते हैं उनका सॉल्यूशन पैसे होते हैं, उस पैसे से सॉल्व हो जाएंगे। और व्यक्ति को इज्जत मान सम्मान अपनी लाइफ में चाहिए, वो दोस्तों मिलते हैं। अगर आपकी वजह से किसी के घर में खुशी आती है तो ऑटोमेटिक आपको मांगना नहीं पड़ेगा, मान सम्मान रिस्पेक्ट वो ऑटोमेटिक देंगे फ्रेंड्स। आपको भी गर्व फील होगा अपने आप पर, आपको भी अच्छा लगेगा और उनके घर में खुशी आएगी, तो आपको दुआएं भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुद देख रही हूँ पर्सनली कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आलतू फालतू कॉन्सेप्ट कुछ भी चल रहे हैं उसमें जुड़ रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को भी लाखों पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं फ्रेंड्स। और मतलब बेहतर कॉन्सेप्ट अगर आपकी और हमारी नज़र में है तो हमें हर किसी तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि वो हर बंदा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही प्लेटफॉर्म पर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनकी मेहनत एक न एक दिन बेकार होने वाली है, फिर वो रोने वाले हैं। उससे बेहतर फ्रेंड्स क्या है कि आप इस कॉन्सेप्ट को उन लोगों तक पहुंचाइए। इतनी ट्रांसपेरेंसी अभी तक मार्केट में मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी मैंने कहीं नहीं देखा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी, मेरे को कल एक ऐसे बंदे से बात हुई जो फॉरेक्स ट्रेडिंग खुद वो करते हैं, खुद की कंपनी भी वो कभी चला चुके थे और फॉरेक्स ट्रेडिंग वो सेल्फ करते हैं अपना। उन्होंने बताया कि कंपनी ट्रेडिंग करती है कि नहीं करती है, ये पैसा पता चला। मैंने जस्ट लाइव उनको ओपन करके दिखाया कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी ट्रांसपेरेंसी है, तो उन्होंने माना कि हाँ ये मतलब कि लाइव है और ये ट्रांसपेरेंसी इतनी है, तो रेट भी सेम है, ऐसा वैसा जो भी वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर देखी। और देखने के बाद उन्होंने बताया कि रियल में ये कंपनी ट्रेडिंग करती है। मैंने बोला कि आप भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये कोई स्क्रीनशॉट मैं नहीं शो कर रही हूँ, जिससे कि लोगों को लगेगा या डाउट होगा, कोई संदेह होगा, ये कंपनी लाइव अकाउंट को शो की है। ये सबसे बड़ी बात होती है और इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी किसी भी सिस्टम में नहीं मिल सकती है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। आप भी देखे होंगे कॉन्सेप्ट, आप भी बहुत सारे आप भी देखेंगे, लेकिन इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें ज़्यादा वक्त को न बर्बाद करते हुए दोस्तों अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सही प्लेटफॉर्म पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी दोस्तों सही रिजल्ट आएंगे। अगर गलत जगह पर अपने टाइम को हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हमें हमारा वो टाइम इन्वेस्ट नहीं कहलाएगा, टाइम स्पेंड कहलाएगा। इसलिए दोस्तों अपने टाइम को इन्वेस्ट हमें करना है, स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे पूरी लाइफ, है ना। अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिला बस वहाँ स्टार्ट करो, लग जाओ, वहाँ से सपने पूरे करो, लोगों के सपने पूरा कराओ, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ आपको देख कर आएंगे। बस दोस्तों हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं, अच्छे अगर 10-20 लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ से इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो आप सभी लोगों को थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सभी लोग अपना कितनी बहुमूल्य टाइम हमें दिए, हमें सुने, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे शाम को 8 बजे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे।